ओके, तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है वो सब हम देखेंगे। अब किसी भी मेटल कंडक्टर के अंदर इनिशियली बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो रैंडमली मूव हो रहे होते हैं। तो ये हम एक डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं। मान लो ये एक मेटल की वायर है और उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो इनको घूमने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड इज ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल एनर्जी। जो इन्वायरमेंट में थर्मल एनर्जी है उससे ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में बदलेंगे और रैंडमली मूव कर रहे होंगे। ये तो किसी भी मेटल की वायर में होता ही होता है जब हम कोई भी मेटल की वायर लेते हैं। अब मान लेते हैं हमें यहां से करंट बनाना है। तो पहली कंडीशन करंट बनाने के लिए चाहिए प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लेते हैं हम इस वायर को एक सेल से जोड़ देते हैं। तो ये हमने एक सेल दिखाया है और हमने उस वायर के दोनों एंड को एक सेल और एक की से जोड़ दिया। अब सेल का एक पॉजिटिव एंड होगा हाई पोटेंशियल पे, लेट अस से वो वी वोल्ट है, और एक लो पोटेंशियल है 0 वोल्ट पे। तो ये सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा वायर के अक्रॉस, जिसके कारण इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाएगी पूरा विद इन द वायर बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इससे क्या होगा, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे वो अपने रैंडम मोशन को छोड़कर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू अनदर एंड ऑफ द वायर। तो जब जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बन गया। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट जिसका सिंबल आई है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट या सिंपल करंट भी बोल देते हैं कई बार। तो करंट जिसका सिंबल मैंने अभी बताया आई है, इट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो। कितना चार्ज फ्लो किया है वायर के एक एंड से दूसरे एंड पे बाय द टाइम टेकन, तो उसके रेशियो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये फार्मूला हो गया करंट का, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बट हमें ये भी पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कि एक बॉडी के अंदर कितना टोटल चार्ज होता है, वो एन इंटू ई होता है। इसमें ई रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारा यहाँ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, और कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उस वायर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो अगर हम ऊपर वाले फार्मूले में क्यू की जगह एन ई रिप्लेस कर दें तो हमारे करंट निकालने के ये दोनों फार्मूले अब बन गए, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी ठीक है और आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी भी ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। फर्दर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नॉलेज है?
करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है विथ ऐसा यूनिट एज एम्पियर और कूलोम सेकेंड इनवर्स, यानी कि कूलोम पर सेकेंड। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम एम्पियर यूनिट में मेजर करते हैं या कूलोम पर सेकेंड। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि करंट वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी हम इसकी डायरेक्शन लेते हैं। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है किसी भी वायर के अंदर, वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, कि जिस सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया गया हुआ है वहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, तो हम कहेंगे कि करंट ये पॉजिटिव एंड से आया, ये आई करंट फ्लो कर रहा है और ये ऐसे पॉजिटिव एंड से होता हुआ नेगेटिव एंड की तरफ चला गया। तो ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट इसके ऑपोजिट होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट है होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू एंड टू पॉजिटिव एंड, फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। तो करंट की दो डायरेक्शन होती हैं, वन इज द इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन, लेकिन फिर भी हम फिजिक्स पढ़ते हुए कन्वेंशनल डायरेक्शन को ही लेते हैं, नॉट द इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। ऑल्दो करंट स्केलर है तो डायरेक्शन ज्यादा मैटर नहीं करता। तो ये बेसिक नॉलेज है इलेक्ट्रिक करंट की। फर्दर अगर करंट वेरिएबल है तो हम उसका इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यू निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट आई, इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट का। अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो हमें dQ बाय dt करना लेना पड़ेगा, जिसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ चार्ज फ्लोन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि किस तरीके से चार्ज फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके डेरिवेटिव से हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकल सकता है। तो आपको ये फार्मूला भी याद रखना है। सेकंड, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अब अगर चार्ज वेरिएबल वे में फ्लो कर रहा है तो हमें उसकी एवरेज वैल्यू लेना पड़ता है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, लेट अस से विद इन द लिमिट्स t1 टू t2, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विद इन द लिमिट्स t1 टू t2। बिकॉज किसी भी वायर में जो टोटल चार्ज फ्लोन होता है एक गिवन टाइम इंटरवल में, अगर हमें वो निकालना है तो हमें आई डी टी का इंटीग्रेशन लेना होगा विद इन द लिमिट्स t1 टू t2। तो उससे हमें टोटल चार्ज फ्लोन पता लग जाएगा। और सिमिलरली अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो डी टी का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा विद इन द लिमिट्स t1 टू t2। तो इस तरह से ये वाला फार्मूला हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, और ये फर्स्ट वाला फार्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये भी आपको याद रखना है। थर्ड फार्मूला जो आपको याद करना है, चार्ज फ्लोन, किसी भी वायर में कितना चार्ज फ्लो करता है वो निकालने के लिए हम एरिया अंडर आई टी ग्राफ का रिलेशन यूज करते हैं। जैसे मान लो एग्जामिनर ने हमें करंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है एक बॉडी का, कंडक्टर का, लेट अस से एक्स एक्सिस में टाइम इंटरवल गिवन है और वाई एक्सिस में करंट, लेट अस से किसी भी तरह की शेप बन रही है, ऐसी शेप बन रही है। अब मान लो एग्जामिनर हमें कहता है कि बताओ t1 टाइम
से लेकर T2 टाइम के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ की जो शेप बन रही है उसका अगर हम एरिया निकाल लें इन टाइम लिमिट्स के अंदर T1 से T2 में, यानी कि वो एरिया जिसको मैंने ये शेड करके दिखाया है, तो वो एरिया अंडर चार्ज टाइम ग्राफ हमें बताएगा कि उसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। जो भी एरिया का आंसर आएगा वही चार्ज फ्लो थ्रू वायर बताएगा इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो पहले इसी नॉलेज को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि यह कंसेप्ट आपके दिमाग में और अच्छे से चला जाए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ वो है एग्जाम्पल 3.1। उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ बल्ब इन 1 मिनट इफ करंट इज 400 mA। और आपको गिवन है कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ ई वो है 1.6 × 10^-19 कूलम। ऑल्दो ये पता भी होता है हर स्टूडेंट को वैल्यू। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा सम है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमें एन पूछा है इन 1 मिनट, हमें टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। अब क्योंकि हम कोई भी न्यूमेरिकल एसआई सिस्टम में करते हैं तो पहले हम इसको मिनट को सेकेंड्स में बदल लेंगे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इफ द करंट इज 400 mA, तो करंट दिया हुआ है 400 mA, तो हम ये मिली लेटर को हटा देते हैं, तो 1 mL 10^-3 के बराबर होता है, तो ये करंट भी दिया हुआ है। नाउ अब हमें करंट का बेसिक फार्मूला पता है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के साथ जो भी रिलेशन है, I इज इक्वल टू NE/T। तो हम यहाँ से कैपिटल N को बाकी वेरिएबल की फॉर्म से अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा I × T/E। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, जैसे करंट हो गया 400 mA, 400 × 10^-3, टाइम हो गया 60 सेकेंड्स, और ई हो गया 1.6 × 10^-19। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो बड़े इजीली हम कैपिटल एन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये आंसर आएगा 1.5 × 10^-22। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में फ्लो करेंगे इन 1 मिनट। तो ये पहला क्वेश्चन है, काफी इजी। उसके बाद नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 3.5। उसमें कह रहा है, इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन टाइम टी इज गिवन बाय। तो एक वायर में चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है टाइम के साथ, उसका एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो टाइम चार्ज टाइम के साथ फ्लो कर रहा है वो है β T − γ T² वेयर बीटा एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये बीटा एंड गामा आर सम कॉन्स्टेंट्स, तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हैं। अब हमने यहां से दो चीजें पूछ रहा है, फाइंड नंबर वन करंट इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। तो हमें करंट का एक्सप्रेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ टाइम टी में, और सेकंड स्केच हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, स्केच I वर्सेस T, हमें करंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये दो चीजें एग्जामिनर से हमसे पूछी हैं। हाँ जी, इसे कैसे करेंगे? अब अगर हम देखें तो चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब चार्ज वेरिएबल है, तो करंट भी वेरिएबल होगा। क्योंकि करंट वेरिएबल है तो हम इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला बनाते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट
जो मैंने अभी पीछे भी बताया है, उस पर्टिकुलर मोमेंट का करंट होता है, क्योंकि करंट वेरी करता जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। तो जब भी हमें चार्ज से इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, तो हमें क्या इक्वेशन यूज करनी होती है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब मुझे करंट निकालने के लिए जो चार्ज का टाइम से रिलेशन है, उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो मैं ये जो चार्ज की इक्वेशन है क्यू, इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ चार्ज के जगह पे। अब डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे आपने प्लस वन में डेरिवेटिव किया होगा, जैसे बीटा इंटू टी का डेरिवेटिव में बीटा कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, हमें डी बाई डी टी ओ वन लेना है। ऐसे गामा कांस्टेंट है और हमें डी बाई डी टी ओ टी स्क्वायर लेना है। तो ये हम डेरिवेटिव के रूल अप्लाई करते हैं। अब डी बाई डी टी ऑफ टी वन होता है, डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी वन होता है, और टी स्क्वेयर पावर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव में पावर आगे आ जाएगी और पावर एक वैल्यू से कम हो जाएगी। तो टी स्क्वेयर में टू पावर आगे आ जाएगी और वो एक से कम हो जाएगी। तो हमने ये करंट का टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया, जो कि हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि आई इज इक्वल टू बीटा माइनस टू गामा टी। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर वन। इसके हर स्टेप को प्लीज आप देख लेना। अब सेकंड पार्ट में एग्जामिनर बोल रहा है कि इसका करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। अब अगर हम जो आंसर आया है उसको देखें, तो करंट की पावर वन है और टाइम की भी पावर वन है, और हमें करंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, और इन दोनों की पावर वन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्योंकि मैथ्स में बताया जाता है कि जिन वेरिएबल में ग्राफ बनाना है, अगर उन दोनों की पावर वन हो, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ग्राफ तो हम पहले तो ये करंट टाइम इक्वेशन को इक्वेशन वन कह के अभी रख देते हैं, क्योंकि हमें इसको भी यूज करना है नेक्स्ट पार्ट में। ग्राफ बिटवीन आई एंड टी विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो जो ग्राफ बनेगा आई और टी के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये किसी भी स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन होती है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जरूर ये इक्वेशन पता होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें जो ये c है, वो कहलाता है कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन वाई एक्सिस, की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो वाई एक्सिस पे कितना कांस्टेंट काटेगी, और एम कहलाता है स्लोप ऑफ द लाइन, कि वो लाइन कितने एंगल पर बन रही है। एम वाई और एक्स वो वेरिएबल हैं जिनमें ग्राफ बन रहा है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो हमें नजर आ रहा है कि वाई का रोल आई प्ले कर रहा है, ये जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ वो सेम रोल प्ले कर रहा है। तो वाई का रोल आई प्ले कर रहा है, एक्स एक्सिस में रोल टी प्ले कर रहा है। इसका मतलब जो एम है स्लोप ऑफ द लाइन, वो -2 गामा होगा, जो टी के आगे लगा हुआ है। और ऐसे ही जो कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होगा, वो बीटा होगा। तो अगर हम इन्हें कंपेयर करें, तो जिसे मैं वन अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे कंपैरिजन करने पर, और जिसे मैं डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो आपस में इक्वेट हो जाएंगे। तो एम हो जाएगा -2 गामा और सी हो जाएगा बीटा। अब ये नॉलेज सफिशियंट है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो लेट अस से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जो हमें सेकेंड पार्ट में बोला है। तो हम एक्स एक्सिस में टाइम इंटरवल ले लेते हैं और वाई एक्सिस में करंट ले लेते हैं।
अब कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बीटा बन रहा है, यानी कि जो हम स्ट्रेट लाइन बनाने जा रहे हैं वो वाई एक्सिस को बीटा डिस्टेंस पे कट करेगी फ्रॉम द ओरिजिन। तो मान लो ये बीटा है, और -2 गामा मींस नेगेटिव स्लोप है, यानी कि ये लाइन नीचे की तरफ आएगी। नेगेटिव स्लोप लाइन हमेशा नीचे की तरफ आती है, तो ये लाइन नीचे की तरफ आएगी, राइट। बन रही है स्ट्रेट लाइन ही, क्योंकि हम ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब इस पॉइंट पर आकर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि करंट वायर में जीरो हो गया, तो हम उस टाइम को फाइंड भी कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से हम आई को जीरो पुट कर देते हैं, पुट आई इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो बराबर आ जाएगा बीटा -2 गामा t, क्योंकि आई इसी के बराबर था। तो हम यहां से t के लिए सॉल्व कर लेंगे, -β/-2 गामा, यानी कि β/2 गामा। इसका मतलब जब टाइम β/2 गामा आएगा तो वायर में करंट डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने आई को जीरो पुट किया। सो ये आंसर होगा सेकंड पार्ट का, कि जो करंट टाइम का ग्राफ है वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी विद नेगेटिव स्लोप लाइन। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इस पे आप अच्छे से देखना हर स्टेप को और टाइम स्पेंड करना। ओके, इस क्वेश्चन को समझने के बाद हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3.6। उसमें कह रहा है द करंट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अब करंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसका भी रिलेशन दिया हुआ है, 3+2t, जो साथ में ए ऐसे लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू 3a+2a/s × t, वो इनके यूनिट्स हैं। तो आप इनको नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि अभी हमें सिर्फ एक्सप्रेशन देखना है। तो आई इज इक्वल टू 3+2t एक रिलेशन दिया हुआ है, और हमें ये रिलेशन देकर पूछ रहा है नंबर 1, हाउ मैनी कूलॉम्स ऑफ चार्ज विल फ्लो इन टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू 0 to t is equal to 4 सेकेंड, कि वो कितने कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा वायर में से 0 से 4 सेकेंड के बीच में। और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट विल ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज एज बिफोर इन द सेम टाइम इंटरवल। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, तभी आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, करंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसका ये रिलेशन दिया। इसका मतलब ये वेरिएबल करंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो पूछ रहा है हाउ मैनी कूलॉम्स ऑफ चार्ज विल फ्लो इन टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड, तो इस इंटरवल में कितने कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा। अब क्योंकि करंट वेरिएबल है, तो हम इसे इंस्टेंटेनियस करंट के रिलेशन से सॉल्व करेंगे, आई इज इक्वल टू dq/dt। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है इंस्टेंटेनियस करंट आई dq/dt होता है। इसका मतलब हम dq को idt लिख सकते हैं, तो dq इज idt अगर हम ये dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और dq इज इक्वल टू i। अब i टाइम के साथ उसका रिलेशन दिया हुआ है 3+2t dt, ये i के जगह ये रिलेशन आ गया जो गिवन है, तो हम i की जगह 3+2t लिख सकते हैं × dt। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया जो स्मॉल चार्ज को स्मॉल टाइम के साथ एक तरह से मेजर कर रहा है, या उसकी इक्वेशन दे रहा है। अब
जब हमें टोटल चार्ज निकालना है तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 + 2t dt, और एज पर क्वेश्चन लिमिट्स हैं टाइम 0 टू 4 सेकेंड्स और चार्ज की लिमिट्स लेट अस से 0 टू q। जब टाइम 0 था तो चार्ज भी 0 फ्लो करेगा, और टाइम जब 4 सेकेंड हो गया तो चार्ज q फ्लो कर रहा है। अब हमें हमें इस पे इंटीग्रेशन के रूल लगाने हैं। जैसे डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होता है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, लिमिट्स राइट साइड पे लिख देंगे 0 टू q। 3, जो 3 का इंटीग्रेशन होता है 3 dt का, वो 3 × t हो जाता है, और 2t dt का इंटीग्रेशन होता है 2t² / 2। हम इंटीग्रेशन में पावर को एक से वैल्यू से बढ़ा देते हैं और उसी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, न्यू पावर वैल्यू से। तो टी की पावर 1 गिवन है, तो हम टी की पावर 1 + 1 2 कर देंगे और उसी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन के हमने रूल लगा दिए। बहुत सारे स्टूडेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से करना कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के रूल अलग हैं। जैसे 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन 3 का इंटीग्रेशन 3t हो जाता है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हम लिमिट्स को पुट कर देते हैं, q - 0 बराबर आ गया। पहले t की जगह अपर लिमिट पुट कर देते हैं, 3 × 4 प्लस t की जगह 4² माइनस लोअर लिमिट पुट करने पे सब 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से q के लिए सॉल्व कर लेंगे, 12 + 16 यानी कि 28 कूलो। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा कि इस वायर में, इस गिवन इंटरवल में जो चार्ज फ्लो करेगा वो 28 कूलम का फ्लो करेगा। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब वो बोल रहा है सेकंड पार्ट में कि किस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट को अगर हमने फ्लो कराना होता तो वो कितना करंट होता जो सेम चार्ज ही फ्लो कराता उस वायर में उसी टाइम इंटरवल में जो पहले। फोर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, आप क्योंकि हमें कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट लेनी है जिसे हम एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के लिए, करंट के लिए हम करंट की डेफिनेशन का बेसिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन q/t। तो टोटल चार्ज फ्लोन 28 कूलम है एज बिफोर, मतलब जितना पहले फ्लो कर रहा था, और टोटल टाइम टेकन 4 सेकेंड हो जाएगा क्योंकि टाइम गैप 0 टू 4 सेकेंड का गिवन है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया कि अगर हमें कांस्टेंट रेट पे करंट को फ्लो कराना होता तो वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट जो सेम ही चार्ज फ्लो कराती वायर में से, वो 7 एम्पियर होती। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, तो ये देखने के बाद हम थोड़ा सा और थ्योरी को डिस्कस करते हैं करंट से। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अब जब कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में घूमता है तो उससे भी करंट बनता है। जैसे आप सबको बेसिक केमिस्ट्री पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अपने अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। तो ये मान लो एक चार्ज पार्टिकल है जो एक गिवन कांस्टेंट स्पीड वैल्यू वी से एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस आर है। तो हमें उस सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल के रिलेटेड भी करंट के फार्मूले बनाने हैं।
तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। वी नो, अब हमें पता है कि जो करंट आई होता है वो चार्ज फ्लोन बाय टाइम टेकन होता है, क्यू बाय टी। यहाँ पे टी है तो एक टाइम, लेकिन सर्कुलर मोशन में मैंने इसको टाइम पीरियड लिया है। टाइम पीरियड अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता, तो टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें कोई पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल करता है, यानी कि वो एक पूरा चक्कर घूमेगा। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। बट एफ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल बार बार घूमता रहेगा, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन 1/T होता है, तो देयर फोर आई इज इक्वल टू क्यू एफ हो गया। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फार्मूला भी याद रखना है। आल्सो अब आपको ये भी बेसिक फार्मूला पता है कि अगर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चले जा रही है, तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बाय टाइम टेकन। अब हमें पता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक सर्कल लेगा, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, यानी कि 2πr/T। तो हम यहाँ से कैपिटल टी को 2πr/V भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये जो हमने कैपिटल टी की वैल्यू निकाली इक्वेशन टू से, लेट अस इसे इक्वेशन टू कह दें, उसे इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। यूज वैल्यू ऑफ कैपिटल टी फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, तो आई बराबर आ गया क्यू बाय 2πr/V। तो आई बराबर आ गया क्यू वी बाय 2πr। तो ये भी एक तरह से अब फार्मूला बन गया सर्कुलर मोशन करंट के लिए। तो हमारे सर्कुलर मोशन करंट में क्या फार्मूले बने? पहला फार्मूला था क्यू इन टू एफ, और दूसरा फार्मूला है क्यू वी बाय 2πr। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये फार्मूले भी याद रखने हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, तो उसका जो चार्ज करंट बनेगा वो कितना होगा, क्यू इन टू आर एफ। क्यू यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज रोटेटिंग, एंड एफ इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन, और ये फर्दर बराबर होगा क्यू वी बाय 2πr। वी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है जिस स्पीड से वो बार बार घूमे जा रहा है, और आर रेडियस है जिस रेडियस में वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो v उसकी स्पीड है और r उसका रेडियस है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी j। अब करंट डेंसिटी j को वेक्टर क्वांटिटी लिया जाता है, ऑल दो करंट स्केलर है, तो करंट डेंसिटी जिसको जे सिंबल से डिनोट करते हैं। अब करंट डेंसिटी क्या होता है? अब किसी भी वायर में जो करंट बनता है चार्ज फ्लो होने के कारण, वो चार्ज या करंट उस वायर के पूरे अंदर इक्वल रेट पे ऐसे फ्लो कर रहा होता है, चार्ज हर जगह से फ्लो कर रहा होता है, यहां से भी यहां से भी, यानी कि जो करंट या चार्ज है वो वायर के पूरे एरिया में प्रेजेंट है। तो करंट डेंसिटी को बेसिकली हम मेजर करते हैं एक वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो जितना करंट फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय जो एरिया है वायर का, उसके रेशो को उसकी करंट डेंसिटी कहते हैं, राइट?
अब यहाँ एक चीज देखने वाली है कि क्योंकि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने एरिया को भी वेक्टर ही लिया है। अब किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर हमने गॉस थ्योरम में भी किया था, वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो हमारी इस फिगर में एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, करंट भी बाहर की तरफ है, तो हमारी फिगर में आई और ए वेक्टर में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो इसकी करंट डेंसिटी आई ओवर ए हो जाएगा। अब लेट अस से कि हम इस वायर के जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे हम करंट डेंसिटी मेजर करने जा रहे हैं वो ऐसे है, जैसे हमने वायर को थोड़ा सा ऐसे छील दिया, तो अब आप देख रहे हो कि वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस शेप का हो गया, राइट? ऐसे जैसे हम किसी चीज को ऐसे कट मार देते हैं। अब करंट तो अभी ऐसे ही फ्लो कर रहा है स्ट्रेट, लेकिन एरिया वेक्टर अब इसका थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि वही वाली बात कि हमें उसके सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेना होता है। लेट अस से अब इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो इस केस में हमें करंट डेंसिटी लेना होगा आई ओवर ए कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर एंगल होगा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द करंट, तो करंट इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, जितना करंट फ्लो कर रहा है वायर में से पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जे इज इक्वल टू आई ओवर ए कॉस थीटा। हमारे इस फिगर में थीटा 0 था, तो ए कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, तो आई बाय ए आ गया, लेकिन सेकेंड फिगर में जैसे मैंने करके दिखाया है कि करंट डेंसिटी आई ओवर ए कॉस थीटा हो जाता है अगर करंट और एरिया वेक्टर में कुछ एंगल हो। तो ये थोड़ी सी नॉलेज आपको करंट डेंसिटी से याद रखना है। जो SI यूनिट है करंट डेंसिटी का, वो आप इसके फॉर्मूले से ही देख सकते हैं। I करंट का यूनिट होता है एम्पियर, डिवाइड बाय एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर माइनस टू, तो एम्पियर मीटर माइनस टू इज द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, और जैसे मैंने ऊपर बोला इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसे स्केलर क्वांटिटी नहीं लिया गया है, वेक्टर क्वांटिटी लिया गया है, क्योंकि ये करंट डेंसिटी को मेजर कर रहा है, तो एंगल से करंट डेंसिटी चेंज होगी। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इस चैप्टर को अच्छे से देख लेना और रिवाइज कर लेना।